कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, शानदार मोबाइल को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके भाई का लैपटॉप में नाम आया था और सिलेक्टेड में नाम आ गया था आपके भाई का, और काफी टाइम हो गया यार, कोई मेल शेल कोई कुछ नहीं आया उसके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खरीद से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुर्रम मलिक व्लॉग्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ, 2-3 दिन से मैंने जो है वो व्लॉग नहीं था डाला क्योंकि कुछ मसरूफियात थी, कुछ मैं बिजी हुआ था, और आज जो है मैं फिर से अपनी यूनिवर्सिटी में आया हूँ और फर्स्ट क्लास हमारी हुई है। और जी, फर्स्ट क्लास के बाद तकरीबन आधे घंटे की ब्रेक है और आधे घंटे के लिए ही मैं बाहर आया हूँ क्योंकि हमारी कंसेक्यूटिव 2 क्लासेस थी सर की, और सर से हमने रिक्वेस्ट की सर जी कम से कम आधा घंटा तो आप हमें जो है वो दें, 2 आप एक साथ लेंगे तो हमसे तो 2 क्लासेस नहीं ली जाएंगी। तो खैर सर ने जो है आधा घंटा ब्रेक दिए और आधे घंटे के लिए मैं आ गया हूँ बाहर। मैंने कहा चलो इतनी देर में बाहर जाता हूँ और बाहर चलो और कुछ नहीं तो चलो कैफे तक बंदा चला जाता है, बंदा थोड़ा सा घूम लेता है, चलो बंदा थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। और बिल्कुल आप एक ही सब्जेक्ट 2.5-3 घंटे आप पढ़ते रहे ना तो आप जो है उससे थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। अभी चलिए आधे घंटे की ब्रेक है, बेशक थोड़ी है, लेकिन चलिए बंदा बाहर चला जाता है और बाहर बंदा थोड़ा सा जो है फ्रेश फील करता है। चलिए ज़रा बाहर जाते हैं और मेरा तरह काम है यहाँ पे एडमिन ब्लॉक में, एडमिन ब्लॉक में मैं जाता हूँ और उसके बाद यहाँ से होता हुआ कैफे और मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, तो मैं ज़रा जा रहा हूँ जी एडमिन ब्लॉक में अपने, मुझे क्योंकि एक काम है। अभी आप देख लें कि एडमिन ब्लॉक में जो है ना मोस्टली रश लगा ही रहता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि आजकल जो है वो नए एडमिशन हुए हमें तो यहाँ पे जो है वो रश पे लगा ही रहता है। किसी ना किसी स्टूडेंट का कोई ना कोई मसला होता है, वो आता रहता है, फ़ी वाला मसला होता है या स्कॉलरशिप का इशू होता है या इवन कि कोई भी उसका इशू होता है ना तो एडमिन ब्लॉक से ही वो ठीक होता है। अभी खैर ये हमारा एडमिन ब्लॉक है और यहाँ पे आप देख लें फिलहाल तो कोई रश वश नहीं है, पिछले दिनों में यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश हुआ करता था स्टूडेंट्स का। अभी भी यहाँ पर मतलब कि कुछ चंद एक स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, लेकिन जब नए एडमिशन हुए थे उस टाइम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश हुआ करता था। मैंने जो जाना है वो जाना है जी रूम नंबर 9 में और वहाँ पर मुझे काम है। रूम नंबर 9 में ज़रा जाके देखते हैं। तो खैर वो जो रूम नंबर 9 है, रूम नंबर 9 फ़िलहाल बंद है, सर वहाँ पे नहीं है, तो थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और फिर देखता हूँ कि आपका सर मौजूद हों कि मेरा काम जो है वो हो ही जाए। चलें उतनी देर में जो है वो कैफ़े चलते हैं और कैफ़े जा के देखते हैं कि क्या चीज़ खाने के लिए अवेलेबल है, क्योंकि मैंने आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया। कैफ़े चलते हैं और आपको कैफ़े दिखाते हैं। वीवर्स, एक्चुअली आपको मालूम होगा कि जो PM लैपटॉप स्कीम आई थी अभी 23rd में ही, मतलब कि अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट गुजरी है प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने ना एक PM प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम जो है वो निकाली थी। तो उसमें जो है आपके भाई का लैपटॉप में नाम आया था और सिलेक्टेड में नाम आ गया था आपके भाई का, और काफ़ी टाइम हो गया यार, कोई मेल शेल कोई कुछ नहीं आया, उसके बाद फॉर्म वगैरह भी जमा करा दिया था तो उन्होंने बोला था हम आपको ना एक मेल कर देंगे, तो मेल शेल तो आई कोई नहीं, इतना टाइम हो गया, कोई तकरीबन मैं उससे इराक में था, 3-4 महीने तो हो ही गए हैं इस बात को, उस टाइम मैं इराक में था। तो मुझे कह रहे थे जी आप जल्दी आएँ, आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट करें, आपका लैपटॉप कहीं निकल ना जाए। मैं इस टाइम नहीं था मैं यहाँ पे, मैंने अपने दोस्त को भेज दिया, वो आया, उसने अपना जो है मेरा फॉर्म वगैरह उसने सबमिट करवा दिया सर से सिग्नेचर वगैरह करवा के। लेकिन अभी 3-4 महीने हो गए, कोई लैपटॉप कोई कुछ नहीं मिला, मैं यहाँ पे चक्कर लगा के थक गया हूँ जी। ये हमारा जो है एग्जामिनेशन ब्रांच है, अभी भी आज इनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं यार कोई लैपटॉप आया है कि नहीं। मतलब कि कोई एक्सपेक्टेड डेट नहीं है? नहीं, एक्सपेक्टेड डेट 3 से 4 दफ़ा हो चुके हैं, कहते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, सो मैं भी एडमिन ब्लॉक में जो मैं काम पता करने आया था वो आपके सामने, मैंने उनसे पूछा कि जो आपने लैपटॉप हमें देना है वो आप लैपटॉप हमें कब तक देंगे, क्योंकि तो इतना टाइम हो गया है। वो कहते हैं जी HSC ने हमें भी अभी तक कोई मेल कोई मैसेज कोई कुछ नहीं किया, हमें इंतज़ार है जी HSC का। और मैंने उनसे कहा है कि सर आप हमें कोई एक्सपेक्टेड डेट तो बताएं ना कि जिस डेट तक हमें जो है वो लैपटॉप मिल सकता है। कहते हैं जी हमने 3-4 बार जो है स्टूडेंट्स को अपने से जो है वो डेट दी है, जिसकी वजह से हम खुद भी जो है झूठे हुए हैं और हमें कोई जो है मेल वगैरह या लैपटॉप वगैरह रिसीव नहीं हुआ, या शायद उन्होंने बोला कि हमारे पास लैपटॉप आ गए, सिर्फ जो है HSC की मेल का हमें इंतज़ार है कि जैसे ही HSC की जो मेल आएगी ना तो मेल आने के साथ हम जो है लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शुरू कर देंगे। तो मैंने उसी दौरान मैंने सर से सवाल किया कि सर जो क्योंकि लैपटॉप जो है वो तकरीबन 8वें सेमेस्टर वालों को मिल चुका है, जो यहाँ से पास आउट हो गया ना वो तो उनको तो मिल गया, तो मैंने कहा सर जो
मतलब कि जूनियर सेमेस्टर हैं जैसे 4th, 5th, 6th, 7th, तो क्या इनको भी एक साथ ही मिल जाएगा लैपटॉप? तो कहते हैं हाँ, जब डिस्ट्रीब्यूशन जब शुरू होगी ना लैपटॉप्स की तो वो सबको ही मिल जाएंगे। खैर अभी तक तो कोई लैपटॉप वाला सीन नहीं है, अब पता नहीं महीना लगाते हैं, डेट लगाते हैं, कोई उन्होंने एक हमें डेट नहीं दी इसके ऊपर। कह रहे हैं कि हम आपको कोई एक्सपेक्ट डेट बता ही नहीं सकते, एग्जैक्ट डेट बता ही नहीं सकते हम आपको, आपको वेट करना पड़ेगा जिस तरह हम वेट कर रहे हैं, जिस तरह आप अंधेरे में हम भी उस तरह अंधेरे में। खैर पता नहीं कब जाकर लैपटॉप देते हैं। तो कैफ़े में पास में आ ही गया हूँ तो ज़रा कैफ़े चलते हैं, लैपटॉप वाली टेंशन को ज़रा साइड पे रखते हैं, जाके देखते हैं कि नाश्ते के लिए क्या चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि जो मैंने जो है आज नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं किया हुआ। जाते हैं कैफ़े और देखते हैं कि क्या चीज़ खाने के लिए वहाँ पर अवेलेबल है। चलें जी, कैफ़े पे मैं आ गया हूँ और टीम दस्तूर नाम बड़ा फिट रखा हुआ है इन्होंने, ऐसे भी आ गए हैं और देखते हैं कि इनके पास खाने के लिए क्या चीज़ अवेलेबल है। यार यहाँ भी ये सारे जो है वो सालन वगैरह पड़े हुए हैं। खैर ये काफ़ी ज़्यादा ऑयली महसूस हो रहे हैं, तो मैं इनके साथ तो नहीं जाऊँगा, हर किसी नहीं जाऊँगा, मुझे तो ये नहीं चाहिए। साथ में समोसे वगैरह हैं और ये साथ सैलड वगैरह, मैक्रोनीज, ये चाट वगैरह, और यहाँ पे जो है ये मशीन वाली चाय देते हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सामने जूस वाला एक टक शॉप है, और ज़रा यहाँ से बाहर आते हैं और यहाँ से अगर बाहर आ जाएं तो यहाँ पे ये रोल पराठे वाले भाई बारबेक्यू बना के देते हैं, और यहाँ पे बाहर फिर से समोसे आ गए, पकौड़े आ गए, और ये आई गेस लेमन सोडे वाला है, ये फिर से आएगा कोई शवारमा वगैरह है इनके पास या कोई बर्गर वगैरह है। तो कुल मिला के बात ये है कि मुझे फ़िलहाल कोई समझ नहीं लग रही कि मुझे क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि सारा कुछ काफ़ी हैवी हैवी सा लग रहा है, समोसे पकौड़े, और मुझे नहीं लगता यार कि खाने चाहिए। और ये ज़रा हलवा पूड़ी, ये यार ये रोज़ बनाते हैं कि आज बनाया हुआ है? रोज़ बनते हैं यार, ये हलवा तो अच्छा लग रहा है, हलवा खाएँ? नहीं अच्छा नहीं है। चलो मेरा तो दिल कर रहा है वैसे हलवा खाने के लिए, क्योंकि हलवा देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन यहाँ पे कोई बंदा बुंदा नहीं है। तो खैर चले अंदर जाते हैं, कुछ ना कुछ तो लेना ही है ना ज़ाहिर है, क्योंकि नाश्ता जो नहीं किया वो अंदर जाते हैं और कुछ ना कुछ जो है वो ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ ना कुछ जो है वो ले ही लेते हैं। ये क्वेटा क्वेटा चाय ढाबे वाला, यार इनकी चाय बहुत आउट क्लास होती है यार, मैं तो रोज़ यहाँ से चाय पीता हूँ, जब कभी मैं घर से चाय पी के ना आया हो ना तो यहाँ से मैं आके चाय पीता हूँ, उनके पास काफ़ी ज़्यादा रश लगा रहता है। चलें अंदर चलते हैं, क्या चीज़ ऑर्डर करें? हाँ ये जी इनका मेन्यू, क्या चीज़ ऑर्डर करें जी? बस मेरा तो दिल है कि हम तो है ना वो शेक ले लेते हैं, कोई ना कोई चलो शेक थोड़ा सा लाइट भी हो जाएगा और थोड़ा सा ना फिटिंग भी हो जाएगी, तो शेक ऑर्डर कर लेते हैं। मैं शेक कौन कौन सा अवेलेबल है जी? मैंगो, चलो मैंगो कर लेते हैं, ठीक है दो मैंगो, तुम अपने मैंगो लेना है फिर क्या लेना है, एक मैंगो शेक मेरा, चल एक मैंगो शेक आप लेना वो मेरा। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक है, ये जी हमारा पुलाव आ गया और ये कबाब के साथ, और ये कबाब बहुत मज़े का होता है यार, मैं उस दिन थोड़ा सा खाया और बाद में मैं सेपरेट अलग से कबाब लेने आया था इनसे, इनका कबाब जो है बड़े मज़े का होता है, एक सेवर फूड वालों का कबाब और ये एक जो ये वाले हैं भाई। यार बात सुनिएगा, ये कबाब आप खुद बनाते हैं बाहर से लाते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कबाब कबाब आपका बड़ा मजे का होता है, मैं लास्ट टाइम आया था ना तो मैंने सेपरेट लिया था ये अलग से, एक तो साथ हमने दिया और दूसरा मैंने सेपरेट अलग। हाँ ये है अभी बहुत मजे का, ये अच्छा था यार, कोका कोला वाला हिसाब है, ठीक है ठीक है, दोनों को ट्रैवल करने भी नहीं देना आपने। चलो ओके जी, ओके बहुत शुक्रिया। चलें जी हमारी जो है ये पुलाव वगैरह हो गया, अभी ज़रा जाते हैं कोई अच्छी सी सूटेबल सी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हम बैठ जाते हैं। यहाँ पे जब हम बैठे हुए होते हैं ना तो अंदर वाला एक मोटा सा भाई होता है, वो हमें कहता है निकलो यहाँ से, यहाँ बैठना अलाउ नहीं है, और अभी कोई बैठे हुए अभी इन्हें उठा ही नहीं रहा, तो हमारे साथ जो है ना वो बड़ी ज्यादती होती है। अब वो बंदा शायद मेरा व्लॉग देख ले तो वो कहे यार इसने मुझे मोटा क्यों बोला है। यार यार वो सर हैं हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं,
कहा चले खैर हमने पुलाव उलाव ले लिया, जाते हैं जरा किसी अच्छी सी जगह पे और वहाँ बैठ के जो है खाते हैं। यार जगह वगैरह हमें कोई नहीं मिली बाहर, और बाहर बैठने का जो है वो दिल भी नहीं कर रहा, तो पता नहीं ऐसी बात है, इधर डिस्कस नहीं करनी, बाहर में डिस्कस कर दे। अच्छा खैर हमें एक मैम मिल गई थी, तो अभी इधर हम जा रहे हैं क्लास में, क्लास में बैठते हैं और जो कि हमने खाना पीना है खाना पीना करते हैं, और क्लास में बैठ के शेक पीते हैं, बाहर तो क्योंकि माहौल ही नहीं है बैठने वाला। चले खैर क्लास में चलते हैं, पुलाव वगैरह खाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। चले जी व्यूअर्स, टाइम अभी हो गया जी, एक बज गए हैं और हमारी जो क्लासेस हैं वो हो चुकी हैं ख़त्म। जो सेकंड हाफ था क्लास का वो भी सर ने जो है वो ले लिया है, हमारी दो कंसेक्यूटिव क्लासेस थी, बस थोड़ी थोड़ी सी देर के लिए ब्रेक हुई थी, तो खैर क्लासेस जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं और मैं भी अभी जा रहा हूँ घर की तरफ वापस। कोशिश की मैंने मेरी जो थोड़ी वाली एक्टिविटीज़ थी यहाँ की, और मैंने आपको बताया कि लैपटॉप क्यों नहीं मिल रहा और क्या वजूहत हैं और कब तक लैपटॉप जो है वो मिल सकता है। चलें दुआ करते हैं कि लैपटॉप भी जो है वो जल्दी जल्दी मिल जाए ताकि इधर सर दर्द खत्म हो। और मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए खुर्रम मलिक व्लॉग्स, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।